जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजामिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। गर्मी का मौसम अपने फुल पीक पे मौजूद है और आजकल जो कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं उसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो टिक फीवर है, या जिसको रेड वाटर भी कहते हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर कई सारे फार्मर्स ने मेरे साथ रابطہ किया और एक ही प्रॉब्लम वो पेश कर रहे हैं कि उनके जानवर के पेशाब के साथ खून आ रहा है। तो यहाँ पर आज एक इसी सेशन पे जो हमारा सेशन होगा इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये पेशाब में खून जो है ये क्यों आता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और आज कल के सीज़न में जो आज का मौसम है ये इसकी मेजर वजह क्या हो सकती है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही मार्च अप्रैल का मौसम शुरू होता है यहाँ से टिक्स, जिसको हम चीचड़ कहते हैं, ये इनकी बहुतात हो जाती है। और पहले तो ऐसे था कि अक्टूबर तक हम चीचड़ों को जानवरों पे देखा करते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से सिर्फ हार्डली जनवरी और फरवरी का ऐसा महीना हम देखते हैं जिसमें चीचड़ हमें नज़र नहीं आते, अदरवाइज़ थोड़े बहुत मकदार में चीचड़ जानवरों पर मौजूद होते ही हैं। एक बात याद रखिएगा, चीचड़ों से अपनी जान छुड़ा लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अदरवाइज़ कुछ थोड़े बहुत मसाइल का आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये रेड वाटर जो डिज़ीज़ है या जिसको हम टिक फीवर कहते हैं या अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम बेबीजियोसिस भी कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये बीमारी जो है ये चीचड़ों की वजह से फैलती है। चीचड़ जो हैं ये जैसे ही किसी सेहतमंद जानवर का खून चूसते हैं तो इनके थूक के ज़रिए ये जो जरासीम है ये जानवर के अंदर जो है ये मुंतकिल हो जाता है। और ये चीचड़ ये जरासीम कहाँ से लेता है, ये किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से, जैसे मिसाल के तौर पे कि एक जानवर को बीमारी थी, उस बीमार जानवर को चीचड़ ने उसका खून चूसा और वो जो जरासीम था पहले बीमार जानवर से चीचड़ के अंदर आया, उसके बाद ये फैलता फैलता आगे सेहतमंद जानवरों को, जिस सेहतमंद जानवर को ये चीचड़ जो है जाके लगेगा, उसका खून चूसेगा, उसके साथ ये बीमारी भी जो है ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बेसिकली आई बीमारी आजकल अपने ब्लूम पे है क्योंकि चीचड़ें आजकल फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ चूँकि ये जैसे ही आप ये देख रहे हैं, ये जिस किस्म की ये दीवार है या जिस किस्म की ये छत है, तो यहाँ पर जिस जगह पर भी कोई क्रैक आपको नज़र आएगा या कोई ओपनिंग आपको नज़र आएगी, ये चीचड़ों के छुपने की बड़ी बेहतरीन जगह है। इस पर मैं एक सेशन करूँगा कि चीचड़ों से बचना कैसे है, चीचड़ों से हम कैसे बचा जा सकता है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है या क्या इसका कोई भी इलाज है। हमारे पास जिन जगहों पे हमारे पास वलैती गायें मौजूद हैं, अल्लाह के फजल से हमारे पास वहाँ पे चीचड़ मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल भी किसी तरह से भी ये वारा ही नहीं खाता कि एक वलैती गाय पे चीचड़ बैठ जाए। अब यहाँ पे जो आपकी वलैती गायें हैं या क्रॉस ब्रेड की गायें हैं उस पर चीचड़ का बैठना बहुत नुकसानदेह है। साहिवाल, आपकी चोलिस्तान, ये जो आपकी लोकल ब्रीड है इसमें जो रेजिस्टेंस है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये बहुत ज़्यादा है, और चीचड़ों के मुखालिफ, चीचड़ों के अगेंस्ट इनका जो निज़ाम है बड़ा बेहतर है। लेकिन जो वलैती गायें हैं आपकी, ऑस्ट्रेलियन है, डच है, अमेरिकन है, या अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड के जानवर मौजूद हैं, इनमें चीचड़ों के बैठने का मतलब है कि जानवर जो है किसी भी टाइम ख़तरे का शिकार ये हो सकता है। अच्छा, अब अगली बार बताता चलूँ, जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसने अगर अपनी माँ से जो वोला पिया है, वोले के ज़रिए भी उस बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो आती है, और वो तकरीबन 6 माह तक जो है बच्चा जिसको वोला प्रॉपर मिला है अपनी माँ का, उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत 6 माह तक रहती है। और रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि अगर 9 महीने की उम्र से नीचे किसी बच्चे को ये बेबीजियोसिस का या टिक फीवर का या रेड वाटर का इशू आ जाए तो वो हल्की फुल्की नोयत का होता है और उसके बाद वो जानवर जो है अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है पैदा कर लेता है। एक एडल्ट कैटल, जैसे ये भैंसें आप देख रहे हैं सारी एडल्ट हैं, इनमें से अगर किसी को कोई इशू आता है तो जो डॉक्यूमेंटेड है तकरीबन 4 साल तक की इम्यूनिटी एक जानवर के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंटेड है कि एक जानवर जिसको आज रेड जो है वाटर का इशू बना या बेबीजियोसिस का इशू बना तो तकरीबन 4 साल के अरसे तक के लिए वो जानवर जो है अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़े जो है पैदा कर लेता है। या बाद लोग ये कहते हैं कि जानवर अपनी कमर्शियल लाइफ में जो है वो सेफ हो जाता है। भैंसों की तो लाइफ बहुत ज़्यादा है जी, मेरे पास 10-10, 12-12 साल पुरानी भैंसें मौजूद हैं, लेकिन गायों के अंदर अगर आप देखें तो एवरेज कमर्शियल लाइफ जो है लोग 4 से 5
पाँच साल कंसिडर करते हैं तो चार साल या तकरीबन जो है ये अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेता है। अब इस बीमारी में होता क्या है, सबसे पहले ये होगा कि जानवर को टेम्परेचर होगा 106-107 तक भी टेम्परेचर जो है शूट कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे जानवर की रेस्पिरेशन जो सांस लेने की रफ्तार तेज़ होगी, ऐसे हिलता होगा, अल्लाह हु लगी होगी, ऐसे जो पेंटिंग जानवर घरकते जिसे हम कहते हैं ना, जानवर घरकना शुरू कर देते हैं। जानवर की खुराक तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है, इसी वजह से जानवर की दूध की पैदावार जो है वो भी कम हो जाती है और वो जानवर जो प्रेग्नेंट होते हैं वो खुराक ना होने की वजह से कमी की वजह से जो है वो उनमें अबॉर्शन भी जो है या हमल के गिर जाने का प्रॉब्लम भी इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर केस को प्रॉपर टाइम पे ना पकड़ा जाए, जैसे अब देखें मेरे पास यहाँ पर माशाल्लाह इतनी सारी भैंसें मौजूद हैं, जिस फार्म पे बैठा हूँ यहाँ पे 450 जानवर मौजूद हैं, अगर किसी जानवर को रेड वाटर हुआ है वो अपने पंकर में बैठा, मुझे क्या पता, या अगर वो जानवर इग्नोर हो जाए और ये केस 2-3-4 दिन प्रोलॉन्ग हो जाए, तो एडवांस केसेस में इस किस्म के जो जानवर हैं उनमें जो दमागी साइन है जिसको हम नर्वस साइन कहते हैं वो भी आ सकते हैं, जिसमें जानवर जब चलता फिरता है तो गिरता फिरता है, उसको समझ नहीं आ रही मैंने पाँव किधर रखना है, इस किस्म के प्रॉब्लम आ जाते हैं, या दांतों की ग्राइंडिंग करना, जानवर खड़ा दांत चुबा रहा है, इस किस्म के प्रॉब्लम भी जो है जानवर को आ सकते हैं। और सबसे बड़ा साइन जिसको देख के हमारे फार्मर कंसिडर करते हैं वो ये है कि जानवर पेशाब के साथ जो है वो खून उसका आना शुरू हो जाता है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ भी हो सकती है, और जानवर को डायरिया या मोक या जिसको ब्रिक कहते हैं, ये दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम जो है ये जानवर को हो सकती है। अब एक बात याद रखिएगा, बाद अवकात जानवरों को ना बच्चा देने के बाद, बिल्कुल बच्चा देने के बाद, ताज़े भैंस ताज़ी सुई भैंस है उसने बच्चा दिया कोई 10-12 दिन के बाद उसके पेशाब से खून आ रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक बीमारी है फास्फोरस की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की कमी की वजह से भी खून में जो है वो ब्लड आता है, लेकिन उसमें आपने ये देखना होगा एक तो जानवर का बच्चा देने की हिस्ट्री साथ होगी, दूसरा जानवर का खाना पीना ठीक होगा, बुखार टेम्परेचर नहीं होगा, बाद अवकात थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन इस बीमारी में बेबीजिया के अंदर टेम्परेचर भी हाई होगा, जानवर देखने से लगेगा कि इस जानवर की बिल्कुल उदास आंखें उतरी हुई, चेहरा और जिस्म ढलका हुआ, सर नीचे को, और बुरे हाल के अंदर जानवर जो है इसमें होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताता चलूं, पहली बात तो याद रखिएगा कि ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप प्रिवेंशन पे चले जाएं। इसका प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं वो डाइमिनाज़ीन का या इमिज़ोल का इंजेक्शन लगवाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो है ये वैक्सीन हो गई, भाई ये वैक्सीन नहीं है, याद रखिएगा ये इसका बिल्कुल वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में बताता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है इस बीमारी की पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, नंबर वन आप चिचड़ों से बचा सकते हैं, कोशिश करें कि अपने हार्ट को चेक करते रहें, और अगर आपके पास ऐसी दीवारें हैं जिसको प्लस्तर नहीं किया गया तो इन्हें यहाँ पर चिचड़ों की बहुतात हो सकती है, जानवरों के दुम के नीचे, टाँगों के बीच में, चड्डे पे कहीं भी चिचड़ आपको नज़र आ सकते हैं, तो चिचड़ों का ख्याल लाजमी रखें, चिचड़ आपने जानवर पर नहीं आने देने। दूसरे नंबर पर ये दो इंजेक्शन है मेरे पास, ये पहले तो अभी बता दूँ कि ये मैं अपने फार्म पर यूज़ करता हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके डॉक्टर साहबान आपको रिकमेंड करें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रोनिल इंजेक्शन है, इसमें डाइमिनाज़ीन अवेलेबल है, ये 1 ml जो है 30 किलो बॉडी वेट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये इमिज़ोल इसमें अमीडो का मौजूद है, ये हम एक लार्ज कैटल को, बड़े साइज़ की कैटल को 150 kg के लिए लगाते हैं, मतलब एक बड़ी भैंस को मैं ये 10 cc लगा देता हूँ, लगाना है खाल के नीचे, इसको लगाएंगे खाल के नीचे और इसको लगाएंगे गोश्त के अंदर। ये वाला टीका जो है भाई ये बाद अवकात रिएक्शन भी कर जाता है, इसलिए कोई भी फार्मर जो ये वीडियो देख रहा है मेरी दरख्वास्त है ख़ुद ट्रीटमेंट करने से अवॉइड करें, जो भी आपके इलाके के डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको बुलाएं और उनसे जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि अगर कोई रिएक्शन भी होता है तो मौके पर उसका जो है डॉक्टर साहब जो है वो बंदोबस्त कर सकें। अच्छा, ये टीका लगाने के बाद, ये जो आपसे मैंने टीके डिस्कस किए हैं, तकरीबन 4 हफ्ते तक के लिए जानवर जो है ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, 4 हफ्ते के बाद फिर चांसेस हैं कि जानवर को ये मसला हो सकता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये वैक्सीन वगैरह कोई नहीं है, ये सिर्फ़ एक प्रोफाइलेक्टिक या जिसको हम कहते हैं ना कि बीमारी से बचने के लिए एहतियातन भी लोग लगा देते हैं, तो सिर्फ 4 हफ्ते के लिए जो है इसका असर होता है, 4 हफ्ते के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा लगाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं, जानवर को क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कीटोप्रूफन या कीटोजेक्ट का टीका जो है ये हम जानवर को लगाते हैं ताकि उसका बुखार उतरे,
बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनमें बार बार चूंकि वो ब्लड निकल रहा है यूरिन के अंदर, तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो हम खून एक सेहतमंद जानवर से लेके एक बीमार जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, इस पर एक ज़्यादा सेशन करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या तरीके हैं, क्या असूल हैं, इस पर सेशन हम बात में करेंगे। इसके अलावा आप जानवर को टोन अप करने के लिए, ताकत के लिए, कोई मल्टी वाइटामिन, कोई बी कॉम्प्लेक्स या कोई आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, ताकि उसमें खून बनने की जो रफ्तार है वो रफ्तार जो है इस जानवर के अंदर बेहतर हो। और फ्लूड थेरापी लाजमी करें, जिसको हम कहते हैं ना ग्लूकोज की बोतलें लगाएं, ताकि जानवर जो खा पी बिल्कुल नहीं रहा, थोड़ा सा उसकी बॉडी को सपोर्ट मिल जाती है। तो ये तो उसकी ट्रीटमेंट है। फिर बता दूँ, डाइमिनाज़ीन लगाते हैं हम, अमीडोकाप लगाते हैं, एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एनसेड्स में कीटोप्रोफन लगाते हैं, बाकी मल्टी वाइटामिन्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक मैं आपको और बात बता चलूँ कि ये बीमारी जो है ये जूनोटिक भी है। जूनोटिक किसे कहते हैं? ऐसी बीमारी जो इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में आ जा सके, इसको हम जूनोटिक कहते हैं। तो ये बेबीजियोसिस की जो बीमारी है ये इंसानों के अंदर भी आ सकती है, और वो इंसान जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ज़रा कमज़ोर है, वो ये बीमारी जो है वो ले सकते हैं। कैसे आएगी? कोई चिचड़ आपको काट दे। मुझे याद है एक दफ़ा यहाँ पे मेरे चिचड़ चिमड़े हुए थे दो, और मैंने उनको उतारा है, क्योंकि हम जानवरों में काम करते हैं, बाज़ूकात पता नहीं चलता। तो चिचड़ के काटने से भी बीमारी आ सकती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के किसी ऐसे बंदे का ब्लड ले लिया जो इन्फेक्टेड था। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, माँ के अंदर से बच्चे में, मतलब माँ के पेट में बच्चा है, तो माँ से बच्चे में भी ये बीमारी जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए इसका खासा एहतियात करें, जानवरों के भी एहतियात करें, अपनी भी एहतियात करें। अब एक रिसर्च पेपर है, एक केस रिपोर्ट है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ रिसर्च पेपर शेयर कर रहा हूँ, ये आप मेरे स्क्रीन पे साइट पे देख सकते हैं। ये पेपर पब्लिश हुआ है 2015 में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट के अंदर। इसमें एक एनिमल का केस डिस्कस किया गया है जो 3 से 4 साल जिसकी उम्र है, और वो क्लिनिक पर लेकर आया गया उस जानवर को। उसमें साइन क्या थे कि वो जानवर खा पी नहीं रहा था, उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसमें खून की कमी थी, और वो रेस्टलेसनेस का शिकार था, मतलब कभी वो जैसे परेशान होते हैं जानवर। इस जानवर को जब इसको देखा गया, इसको टेस्ट किया गया, तो ये बेबीजियोसिस का पेशेंट था। इसकी ट्रीटमेंट में वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये 2 इंजेक्शन जो पड़े हैं, डाइमिनाज़ीन और इमिजोल, एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और मिलोक्सिकैम इंजेक्शन बुखार उतारने के लिए, और साइनोकोबालामीन इंजेक्शन, और साथ ही जो है ना ये ब्यूटोरफॉस्फोन इंजेक्शन जो है ये जानवर को लगाए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, और जानवर रिकवर हो गया। देखिए, परेशानी की बात नहीं है, ये जानवर जो हैं इनको अगर आप टाइम पे डिज़ीज़ को पकड़ लें तो ये इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें केस में देर कर दें तो आपका जानवर जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए जो फोकस करना है, चीचड़ों से अपनी जान छुड़ाएं, और अगर आपके पास चीचड़ मौजूद हैं तो चीचड़ों के स्प्रे भी करते रहें, और ये टीके जो हैं ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे हर 4 हफ्ते के बाद अपने जानवरों को लगाएं। लेकिन अब कॉस्टिंग आप कर लें, क्या अपने पूरे फार्म के को प्लस्तर करने से चीचड़ों से बचाना ये महंगा सौदा है, या ये महंगे टीके जो हैं हर 4 हफ्ते के बाद लगाना, ये बाप ने खुद फैसला करना है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।